प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इसके साथ ही पीएम ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक भी जारी की है। 48 पेज की इस किताब में 20 देशों के टिकट, पीएम मोदी ने कुल 6 डाक टिकट जारी किए हैं। इसमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवट राज और माँ शबरी शामिल है। तो डाक टिकट की पुस्तिका भी प्रधानमंत्री ने जारी की है। 48 पेज की ये पुस्तिका है जिसमें 20 देशों का टिकट है। राम मंदिर का डाक टिकट जारी हुआ। ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंथ का, बड़ी बड़ी सोच का एक मिनिएचर फॉर्म होता है। आज जो ये स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं, उनसे हमारी युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। मैं अभी देख रहा था, इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है। कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगल हारी इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना है। इनमें सूर्यवंशी राम के प्रतीक सूर्य की छवि है, जो देश में नए प्रकाश का संदेश भी देता है। इनमें पुण्य नदी सरयू का चित्र भी है, जो राम के आशीर्वाद से देश को सदैव गतिमान रहने का संकेत करते हैं। मंदिर के आंतरिक वास्तु के सौंदर्य को बड़ी बारीकी से इन डाक टिकटों पर प्रिंट किया गया है। मुझे बताया गया है कि एक प्रकार से पंच तत्व की हमारी जो फिलॉसफी है, इसका एक मिनिएचर रूप प्रभु राम के माध्यम से दर्शाया गया है। तो अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर है, गर्भगृह में स्थापित किए गए हैं रामलला जी। हां, स्थापित प्रतिमा का अनुष्ठान शुरू हो चुका है। 4 घंटे की पूजन के बाद मूर्ति स्थापित हुई। रजत प्रतिमा भी अनुष्ठान में शामिल है। रजत प्रतिमा यज्ञशाला में पूजन में शामिल मूर्तिकार अरुण योगीराज की प्रतिमा है। ये रामलला के भव्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या से गर्भगृह में स्थापित किए गए हैं रामलला, प्रभु श्री राम। स्थापित प्रतिमा का अनुष्ठान शुरू हो चुका है। 4 घंटे की पूजा के बाद मूर्ति स्थापित, रजत प्रतिमा भी अनुष्ठान में शामिल है और रजत प्रतिमा यज्ञशाला में पूजन में शामिल है। मूर्तिकार अरुण योगीराज की प्रतिमा है ये रामलला के भव्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई है। तो 4 घंटे की पूजा के बाद स्थापित हुई है मूर्ति भगवान श्री राम की, प्रभु श्री राम की। तो गर्भगृह में स्थापित किए गए हैं प्रभु श्री राम। रामलला की प्रतिमा स्थापित हो चुकी है मंदिर के गर्भगृह में और स्थापित प्रतिमा का अनुष्ठान शुरू हुआ है। 4 घंटे की पूजा के बाद, 4 घंटे की पूजा के बाद प्रभु श्री राम की इस प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित किया गया। रजत प्रतिमा भी अनुष्ठान में शामिल है। रजत प्रतिमा यज्ञशाला में पूजन में शामिल। मूर्तिकार
अरुण योगीराज की प्रतिमा है जो कि रामलला के भव्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई। 4 घंटे की पूजा के बाद मूर्ति को स्थापित किया गया तो गर्भगृह में विराजमान हुए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। गर्भगृह में उनकी प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया। जिस दिन का इंतजार कई सालों से भारतवर्ष कर रहा था आखिर वो दिन आ ही गया है।